दोस्तों काफ़ी लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न रह जाता है कि भाई वो अपने रील्स वीडियो को किस टाइमिंग पर अपलोड करें जिससे उसके रील्स वीडियो पर काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस आए, काफ़ी अच्छी खासी व्यूज़ आए। और अगर आपके भी माइंड में ये कन्फ्यूज़न है तो मैं बता दूं, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आई हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूं। और अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देख लोगे तो आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी रील्स वीडियो अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है। सो इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू पोस्ट इंस्टाग्राम रील्स वीडियो, देन वॉच दिस video till end. So let's get started. ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम की तरफ से दी गई इस ग्राफ को। अगर हम फॉलो करते हैं और इस टाइमिंग पर अपने रील्स वीडियो को अपलोड करते हैं तो क्या हमारे रील्स वीडियो वायरल होंगी, हमारे रील्स वीडियो पर व्यूज आएंगे? बट मैं आपको बता दूं, ये जो ग्राफ है ना बिल्कुल फ्लॉप है। अगर आप इस टाइमिंग पर अपने रील्स वीडियो को अपलोड करोगे तो आपके वीडियोज पर एकदम व्यूज नहीं आएंगे और आपके रील्स वीडियो वायरल नहीं होंगे। बिकॉज इस ग्राफ में जो एक्टिव यूजर्स आपको शो हो रहे होंगे ना, तो आपके अकाउंट के ग्राफ में भी सेम आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। जो एक्टिव यूजर्स है ना वो शाम के 6 बजे, और इंडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं सारे के सारे अकाउंट्स में यही टाइमिंग आपको दिखेगा, यानी कि शाम के 6 बजे सारे यूजर्स यहां पर एक्टिव रहते हैं। और इंडिया में काफ़ी क्रिएटर्स ऐसे हैं जो इस टाइमिंग पर वीडियोस को अपलोड करते हैं शाम के 6 बजे या फिर दिन के 12 बजे। और अगर आप अपनी रील्स वीडियो को इस टाइमिंग पर अपलोड करोगे, यानी कि 6 बजे के टाइमिंग पर अपलोड करोगे, तो लाखों के भीड़ में भाई आपकी वीडियो कहाँ चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी कि आपकी रील्स वीडियो पर एकदम व्यूज़ नहीं आएंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी रील्स वीडियो को इस टाइमिंग से 2 घंटे पहले, यानी कि इंस्टाग्राम हम लोगों को सजेस्ट कर रहा है 6 बजे, यहाँ पर यूज़र्स काफ़ी ज्यादा एक्टिव है, तो आप अपनी रील्स वीडियो को 2 घंटे पहले यानी कि 4:30 बजे या फिर 4 बजे अपनी रील्स वीडियो को अपलोड कर दो, या फिर 6 बजे के बाद यानी कि 7 बजे या फिर 8 बजे आप अपनी रील्स वीडियो को अपलोड कर दो। ये दो टाइमिंग्स मैंने जो आपको बताया है ना काफी ज्यादा बेस्ट है, बिकॉज इस टाइमिंग पर काफी लोग फ्री रहते हैं। कुछ लोग अपने ऑफिस के काम से फ्री हो जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर स्कूल ट्यूशन से फ्री हो जाते हैं और कुछ लोग कुछ अदर काम से फ्री हो जाते हैं। एंड उसके बाद जो लोग है ना वो इंटरनेट को यूज़ करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर उस टाइमिंग पर आपकी रील्स वीडियो यहाँ पर सजेस्ट में आ गई तो उस वक्त आपकी रील्स वीडियो वायरल होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ज़रूरी ये नहीं कि मैंने जो आपको टाइमिंग्स बताया है ना उसी टाइमिंग पर आपकी रील्स वीडियो वायरल होगी, बट इस टाइमिंग पर अगर आप अपने रील्स वीडियो को अपलोड करेगा तो 50-50 चांस तो बनी जाती है आपकी रील्स वीडियो वायरल होने का। अगर आपका कॉन्टेंट एंगेजिंग कॉन्टेंट रहा तो भाई 100% चांस बन जाएगा आपकी रील्स वीडियो वायरल होने का। बिकॉज यहाँ पर सिर्फ टाइमिंग ही मैटर नहीं करती, यहाँ पर कॉन्टेंट भी मैटर करता है। अगर आपका एंगेजिंग कॉन्टेंट नहीं है तो आपका वीडियो एकदम वायरल नहीं होगा, क्योंकि लोगों को तो पसंद ही नहीं आएगी आपकी वीडियोस पर, तो रुकेंगे ही नहीं। अगर आपकी वीडियोस पर लोग रुकेंगे तो यहाँ पर एंगेजमेंट बनेगा, जिससे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपकी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन भेजेगी और इससे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी आएंगे और एक्सप्लोर पेज पर भी आने लगेगी आपकी वीडियो। और साथ में आपको एक फ्री टिप भी देना चाहता हूँ कि आप अपनी रील्स वीडियो पर ऑलवेज यहाँ ट्रेंडिंग ऑडियोज को यूज़ किया करो, जिससे आपकी वीडियो ना हमेशा ट्रेंडिंग पर चले और इंस्टाग्राम एल्गोरिदम उन वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करती है जो लोग यहाँ पर ट्रेंडिंग ऑडियोज को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि आपकी रील्स वीडियो को अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है। और मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप अपनी रील्स वीडियो को किस टाइमिंग पर अपलोड करते हो, और आप इंस्टाग्राम पर हो तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिली या वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती हैं और हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।